हेलो, आई एम आशुतोष द्विवेदी एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन डेली नॉलेज ट्रैक। इस बार सीएससी 2017 में मेरी 70वीं रैंक आई है और मुझे आईएएस सर्विस अलॉट हुई है। अभी मैं जो आपसे बात करने जा रहा हूँ वो अपनी पूरे इस तैयारी की जर्नी की, किस तरह से एक रायबरेली ज़िले के एक छोटे से गाँव से उठ के मैं यहाँ तक पहुँच सका, उसमें क्या मैंने संघर्ष झेले, क्या मेरे स्ट्रेंथ रही, क्या मैंने सीखा, वो मैं आपके साथ साझा करने वाला हूँ। एक खास बात यह है कि मैं अभी तक डिसाइड नहीं कर पाया हूँ कि ये इसे मैं अपनी एक उपलब्धि कहूँ या ये मेरी असफलता का परचम है, कि मैंने ये सीएससी की जो परीक्षा है उसको 4 बार उत्तीर्ण किया है। 2014 वाले एग्जाम से मैं रिजर्व लिस्ट में था और मुझे असिस्टेंट सिक्योरिटी कमिश्नर RPF सर्विस अलॉट हुई थी। फिर 2015 में मुझे IPS सर्विस अलॉट हुई। चूँकि मुझे लगता था कि मेरी जो पर्सनैलिटी है वो IAS के लिए ज़्यादा सूटेड है, इसलिए मैंने फिर से एग्ज़ाम दिया और 2016 के एग्जाम से मेरी रैंक थोड़ी कम हो गई और मुझे इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज कस्टम एंड सेंट्रल एक्साइज IRSC&CE ये अलॉट हुआ और मैंने एक बार फिर से एग्ज़ाम दिया और इस बार मेरी 70वीं रैंक आई है और IAS मिला है। तो ये इसको कुछ भी कहें, चाहे ये कहें कि हाँ मैंने फाइनली इतने संघर्षों के बाद अपना लक्ष्य पाया, या इसे यूँ समझे कि मैं कुछ कुछ करता रहा, कुछ गलतियाँ होती रहीं जिनके कारण मुझे जो मेरी अभीष्ट सफलता थी, जो मेरी डिज़ायर्ड सक्सेस थी, वो मुझे चौथी बार में मिल पाई। जो भी कहें, पर इस पूरे जर्नी में मैंने बहुत कुछ सीखा है अपनी सफलताओं से, अपनी असफलताओं से, जो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा। हो सकता है आप में से कई लोग मेरे समान परिस्थितियों वाले हों जिनको मेरे इन अनुभवों से कुछ फ़ायदा मिल सके। अगर एक भी व्यक्ति को मेरे इन अनुभवों से कुछ सीखने को मिल सका तो मैं समझूंगा कि मेरा ये साझा करना, ये वीडियो बनाना डेली नॉलेज ट्रैक के साथ ही सक्सेसफुल रहा। तो अगर बात हम लोग चालू करें शुरुआत की, कि कहाँ से ये सब शुरू हुआ। चूँकि हम रायबरेली के एक छोटे से एक गांव है गोपालपुर, वहाँ से आते हैं और लोअर मिडिल क्लास फैमिली कहें तो वैसा कहना सही रहेगा, ऐसे परिवार से बिलोंग करते हैं, बट एक एस्पिरेशनल मिडिल क्लास फैमिली जिसकी अपनी एस्पिरेशंस थी और उनको फुलफिल करने के लिए हम लोगों को ये लगता था कि शिक्षा एक महत्वपूर्ण साधन हो सकता है। तो वहाँ से आते हुए और शायद कहीं ना कहीं UP और बिहार में आप बचपन में ही आपको जब आशीर्वाद भी मिलता है तो लोग कहते हैं कलेक्टर बनो, तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में वो बात पहले से ही थी कि हाँ IAS की तैयारी करनी है, सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है। बचपन में जैसे लगा करता था, जब ये पता भी नहीं होता था कि IAS क्या है, हाँ ये पता रहता था कोई बड़ी चीज़ होती है। तो वहाँ से शुरू करके मेरी जर्नी शुरू होती है। और अगर मैं ये कहूँ कि मेरे सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत, मेरे सोर्स ऑफ मोटिवेशन, वो मेरे माता पिता रहे। मेरे माताजी और मेरे पिताजी, मेरे ख्याल से अगर हम कहें कि उन्होंने अपनी सारी ऊर्जा, अपनी सारी मेधा हम लोग की शिक्षा में लगा दी, तो कहीं ना कहीं ये गलत नहीं होगा, ये कहना सही ही होगा। मुझे अभी भी याद है, मेरे पिताजी बताया करते हैं कि वो बचपन में जब थे तो हमारा परिवार जो था उसकी पारिवारिक स्थिति, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी नहीं थी। हम लोग जैसे मेरे बाबा थे वो खेतिहर किसान थे, खेती वगैरह करते रहते थे, पिताजी के टाइम पर भी खेती हुआ करती थी। और मेरे पिताजी अपने गांव के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण की थी। तब उसके बाद हमारे गांव में किसी को पता ही नहीं था कि हाई स्कूल के बाद भी कुछ पढ़ाई होती है। फिर वो पढ़ने के लिए रायबरेली जो शहर था वहां पे गए और परिवार की स्थिति इतनी ख़राब थी कि वो उनको रायबरेली में रख के नहीं पढ़वा सकते थे। और ये ध्यान दीजिए, ये बहुत पहले की बात है और आप शायद ये कंटेक्स्ट में जुड़ पाएँ कि कैसा था हमारा पारिवारिक परिदृश्य उस समय, कि मेरी माताजी और मेरे पिताजी की शादी बहुत बचपन में ही हो गई थी, जब वो 6-7 साल के थे। तो सोचिए, शादी हो चुकी थी, पत्नी घर में आ चुकी थी और उसके बाद परिवार को कोई सपोर्ट नहीं था और उनके अंदर पढ़ने की बहुत ललक थी। फिर उन्होंने एक जो गांव में जो साहूकार, जो मनी लेंडर्स हुआ करते हैं, उनसे कुछ पैसे उधार लिए और वो गए पढ़ने के लिए। और वो पढ़ते भी थे, साथ साथ छोटे बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाया करते थे। उस अपनी पढ़ाई जारी करते हुए वो जो ट्यूशन कर रहे थे, उसके आधार पर वो पहले व्यक्ति बने हमारे गाँव के जिन्होंने वो गाँव के जो मनी लेंडर्स थे उनके पैसे पूरे लौटा पाए। नॉर्मली ऐसा होता नहीं था। तो उसके बाद ऐसा करते हुए मेरे पिताजी ने इंटर की पढ़ाई पूरी की, 12th पास किया, BSc की और एक छोटे से स्कूल में टीचर हो गए। अब ये समझिए, तब के जो टीचर थे, आज के टीचरों जैसे उनकी हाल नहीं थी जिनकी बड़े अच्छी तनख्वाह हुआ करती, तब टीचरों की तनख्वाह बहुत कम हुआ करती थी। लेकिन मेरी माताजी वो हमेशा कहती थी कि आप इससे ज़्यादा कुछ कर सकते हैं, आप और कुछ अच्छा कीजिए। तो वो मोटिवेट करती रहती थी उनको। और मेरी माताजी जो खुद उनको दुनियावी मायनों में कहें तो बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, उनकी पढ़ाई शिक्षा दीक्षा बस इतनी है कि वो धार्मिक किताबें पढ़ लेती हैं, रामायण वगैरह पढ़ लेती हैं। तो खुद कोई भी फॉर्मल एजुकेशन के बिना
उनको ये इतना आइडिया था कि शिक्षा ही ऐसी चीज़ है जिसके माध्यम से कुछ किया जा सकता है। तो मेरे पिताजी को मोटिवेट करती रहती थी, कुछ और भी कीजिए साथ में, ये सिर्फ यहीं पे आपको नहीं रुक जाना है, आपकी योग्यता इससे कहीं ज़्यादा है। फिर एक नौकरी हुआ करती थी, चूँकि पैसे की भी समस्या होती थी, तो एक नौकरी होती थी लाइफ स्टॉक एक्सटेंशन ऑफिसर LEO पशुपालन विभाग में। उसकी रिक्वायरमेंट जो थी वो 10th ही थी, लेकिन उसमें तनख्वाह ज़्यादा थी और उसमें यह था कि जानवर वगैरह का इलाज करना रहता था, तो आप अपनी मेहनत के बल पे काफ़ी धनार्जन कर सकते थे। तो फिर मेरे पिताजी ने वो ज्वाइन किया, वो प्राइमरी स्कूल की या जो कहें प्राइवेट स्कूल की टीचरी से छोड़ करके उन्होंने वो ज्वाइन किया। वहाँ से स्थितियाँ काफ़ी ठीक ठाक थी, अच्छा चल रहा था। फिर नौकरी करते करते वो एक ग्रुप सी जैसी पोस्ट उसको समझ सकते हैं। तो नौकरी करते करते बाद में एक ऐसी स्थिति आई कि उनके पास एक मौका मिल रहा था जिससे वो ग्रेजुएशन बैचलर ऑफ वेटनरी साइंसेज, जिससे डॉक्टर बनते हैं जानवरों के डॉक्टर, वो कोर्स करने के लिए इन सर्विस जाने के लिए उनके पास मौका था। अब वो जो मौका था काफ़ी सालों बाद आया, तब तक बच्चे हो चुके थे, मेरे बड़े भाई साहब जो थे वो 11वें में या 12वें में पढ़ा करते थे उस समय। फिर ये समस्या आई कि क्या अब जाया जाए अथवा ना जाया जाए, क्योंकि वो जो 5 साल का कोर्स था उसमें आप डिपार्टमेंटल कैंडिडेट की तरह जा रहे थे तो उसमें तनख्वाह नहीं मिलनी थी। अब ये समस्या थी कि जब तनख्वाह नहीं मिलेगी तो 5 साल परिवार कैसे चलेगा। लेकिन सलाम है मेरी माता जी के जज्बे को, उन्होंने उस समय कहा कि देखिए ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते, ये हायर एजुकेशन, ये उच्च शिक्षा का मौका आपको मिल रहा है, आप इसमें जाइए, क्योंकि अगर आप इसमें जाएंगे तो ये आने वाली पीढ़ियों के लिए पूरा ये सुधार हो जाएगा। और फिर ये बात आई कि भाई परिवार कैसे चलेगा, तो मेरी माता जी का जज्बा देखिए, उन्होंने कहा आप चिंता मत कीजिए, आप जहाँ पंतनगर विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए जा रहे हैं वहाँ पे बहुत सारे बच्चे होंगे यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए, तो जो बच्चे होंगे तो चाय नाश्ता वगैरह करते होंगे, आप जाइएगा, आप वहाँ पढ़िएगा, हम और अम्मा, अम्मा मतलब मेरी नानी वो हमारे साथ ही रहा करती थी, हम और अम्मा चलेंगे, हम लोग वहीं रहेंगे, हम चाय और पकौड़ी बनाएंगे और अम्मा उसको बेचा करेंगी। ये जज्बा है उस महिला का जिसने कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं पाई है शिक्षा के प्रति। भगवान की दया हुई मेरे पिताजी के ऊपर कि जैसे होता है ना कि अगर आप जज्बा रखते हैं तो दैवीय शक्तियां भी आपकी मदद करती हैं। कुछ ऐसा नया गवर्नमेंट ऑर्डर आया कि उसके बाद तनख्वाह मिलती रही, फिर ऐसा करके मेरे पिताजी हायर एजुकेशन के लिए गए। तो उसके बाद वो हम लोग यहीं रहा करते थे। और मज़े की बात ये देखिए कि जब तक हमारे पिताजी का कोर्स कंप्लीट होने वाला समय था तब तक मेरे भाई साहब का भी बैचलर ऑफ वेटनरी साइंसेज में एडमिशन हो गया, और वो फर्स्ट ईयर में थे भाई साहब हमारे और हमारे पिताजी फाइनल ईयर में थे, मतलब एक साथ उन्होंने कुछ समय के लिए पढ़ाई की। तो ये चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको कि ये जो कहानी है मेरे माता पिता की, ये मेरे लिए सारे संघर्षों से लड़ने का सबसे बड़ा मोटिवेशन रहा। यहाँ कितनी सारी दिक्कतें, बच्चा पत्नी के होते हुए भी वो और आगे पढ़ाई करने के लिए तैयार थे, और मैं कई सारे, मैं खुद सिविल सर्वेंट्स, सिविल सर्विसेज के जो एस्पिरेंट्स होते हैं, हम लोग को एक थोड़ी सी दिक्कत आती है, किसी टेस्ट सीरीज में नंबर कम आते हैं या किसी प्रीलिम्स में हम लोग फेल हो जाते हैं और हम लोग लगता है कि अब तो दुनिया ही खत्म हो गई। तो ये एक जो जज्बा है उसको बनाए रखना चाहिए। तो वो जो समय था हम लोग को जब पिताजी वहाँ पढ़ने के लिए गए हुए थे, तो वो थोड़ा समस्या का समय था पैसों के हिसाब से, हम लोग गाँव में रहा करते थे। मेरी माता जी, मुझे अभी भी याद है कि वो लकड़ी काट के लाती थी, लकड़ी के चूल्हे में खाना बनाया करती थी, कभी मैं भी लकड़ियाँ बीन के लाता था, छोटा सा था तब, इसीलिए मेरी जो शुरुआती पढ़ाई थी वो गांव के सरकारी प्राइमरी स्कूल में हुई। पर इससे सबसे मैं कभी या मेरे परिवार में कभी भी इन सारे संघर्षों से कोई भी बॉक डाउन नहीं फील करता था, कोई भी दबा हुआ नहीं फील करता था, रादर हम लोग इससे और प्रेरणा पाते थे कि हाँ हमने ये स्थिति भी पार कर ली, हम इसमें भी पार पा गए तो हम और अच्छा कर पाएंगे। तो ऐसा पढ़ते हुए फिर इनिशियली गाँव के स्कूल में मेरी पढ़ाई हुई, मतलब हाई स्कूल तक। मैं आपको बताऊं अगर मज़ेदार बात, हाई स्कूल तक जहां मैं पढ़ा करता था वो पिताजी की पोस्टिंग हो गई थी, और हमेशा अधिकतर गांव की जगहों में ब्लॉक लेवल पर उनकी पोस्टिंग हुआ करती थी। खांटी ईमानदार किस्म के अफसर थे, तो उनका ये कहना था कि जहां पोस्टिंग होगी वहीं रहेंगे, तभी अच्छे से पशुओं की सेवा हो पाएगी, तो हम लोग भी वहीं पर रहा करते थे। तो हाई स्कूल तक मैं जहां पढ़ा वहां पर वो ऐसी जगह थी जहां हम लोग रहते थे, वहां से रोज़ मैं 12 किलोमीटर साइकिल चला के जाया करता था। और यूपी में आजकल तो लाइट वाइट ठीक ठाक आने लगी है, तब तो ये सिस्टम था कि एक हफ्ते दिन में लाइट आती थी सुबह 10 से 4, अगले हफ्ते रात में लाइट आती थी शाम को 10 से 4। मतलब एक्चुअली जब आपको पढ़ना है, चाहे वो सुबह का समय हो चाहे शाम का समय हो, उस समय लाइट नहीं रहेगी। तो असलियत में मैं देखूं कि जब मैं हाई स्कूल पास करने के बाद जब मैं 11वें में कानपुर में पढ़ने आया, वो पहला टाइम था जब मैंने बिजली में पढ़ाई की, क्योंकि तब इन्वर्टर वगैरह का गाँव में इतना फैशन नहीं था, लैंप जो होता है या लालटेन, या ठंडी के दिनों में पेट्रोमैक्स, उसमें जला के हम लोग पढ़ा करते थे। तो जब मैं कानपुर आया पढ़ने के लिए, और एक ये भी खास बात है कि
वहाँ से जो चेंज था, वो स्कूल बहुत अच्छा था, हाई स्कूल में मेरे अच्छे नंबर आए थे इसलिए मेरा उस स्कूल में दाखिला हुआ 11वें में। तो वहाँ पर आके फिर मुझको बहुत सारी दुनिया देखने को मिली कि अच्छा कि दुनिया तो बहुत बड़ी है। वहाँ पर आके फिर मुझे पता चला कि अच्छा IIT भी कोई चीज़ होती है, वहाँ पर जाना है, फिर आगे करना है, इस टाइप की चीज़ें। फिर उसके बाद बहुत सारी चीज़ें दिखने लगी। तो इन सारी चीज़ों से होते हुए और मेरी पूरी पढ़ाई लगभग जो थी वो मतलब 12th तक सारी पढ़ाई मेरी 12th मैंने हिंदी मीडियम स्कूल से किया है। मतलब मैं कभी ऐसे स्कूल में नहीं पढ़ा जहाँ पे सर बुलाते हों। जहाँ गांव में जहाँ पढ़ते थे वहाँ पे मास्टर साहब या मुंशी जी बुलाया करते थे, जहाँ पे कानपुर में आए पढ़ने के लिए वहाँ आचार्य जी या गुरु जी बुलाया करते थे। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे हमारे ऐसे साथी हैं जिनसे मैं मिलता रहता हूँ जो मीडियम को लेकर बड़ा घबराए हुए रहते हैं कि अरे हम तो ऐसे छोटे स्कूल से पढ़े हैं, हम तो हिंदी मीडियम में पढ़े हैं, हम कैसे पास कर पाएंगे। तो जब हम कॉलेज में आए HBTI कानपुर से मैंने BTech किया तो वहाँ पे तो हर तरह के लोग थे। वहाँ पे बहुत सारे गाज़ियाबाद नोएडा इधर के भी लड़के थे जो अच्छे अच्छे स्कूलों DPS वगैरह जैसे स्कूल से पढ़े हुए थे। मतलब मैं DPS को कुछ ऐसा बुरा नहीं कह रहा हूँ, रादर मैं उसको ऐसा मान रहा हूँ कि वो तो एक अच्छे स्कूल की पहचान है, तो DPS के लोग कुछ ऐसा बुरा ना माने। तो ऐसे स्कूल के लोग थे। तो हमारा एक ग्रुप था जो देशी टाइप का ग्रुप था, तब व्हाट्सएप ग्रुप नहीं हुआ करते थे, एक्चुअली फिजिकल सेंस में ग्रुप था। तो वो जो ग्रुप था हमारे साथ के लड़के, हम लोग सब हिंदी मीडियम वाले से थे, छोटी छोटी जगहों से आए हुए, तो लोग कई बार घबराते थे मेरे दोस्त कि यार वो लोग तो लड़के गिटार बजा लेते हैं यार, वो लोग तो अच्छी अच्छी बाइक्स पे आते हैं, हम लोग तो टेम्पो से कॉलेज जाते हैं। तो चूंकि मेरे पास ये क्या कहें उसको, ये बेंचमार्क था किस तरह से संघर्ष किया हमारे माता पिता ने, तो मैं उनसे कहता था भाई देखो ऐसा घबराने की जरूरत नहीं है, वो बड़े अच्छे बड़े महंगे स्कूल से पढ़े हैं, 3,500-4,000 रुपये महीने उनकी फीस थी, हम लोग तो 20 रुपये महीने स्कूल वाले से 20 रुपये महीने फीस वाले स्कूल से पढ़े हैं, पर आज तो वहीं है ना, हमारा जज्बा ज़्यादा है, हम ज़्यादा बड़े अचीवर्स हैं, इसलिए कॉन्फिडेंस रखो, हम लोग आगे भी बढ़िया ही करेंगे। तो इसलिए जो लोग इंग्लिश मीडियम जो कि अच्छे स्कूल से पढ़े हैं वो तो वैसे भी उनके अंदर कॉन्फिडेंस रहता है, उनके पास संभावनाएँ बहुत सारी हैं, लेकिन जो लोग हिंदी मीडियम से पढ़े हैं छोटे गाँव से उठ के आ रहे हैं वो भी ये जान लें कि हम लोग बहुत ऊँचे तक जा सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि जो मेरे माता पिता का जो मोटिवेशन था वो मेरे साथ हमेशा रहा। कोई भी जो ऐसा व्यक्ति हो जो आजकल इन्वेस्टमेंट बैंकर्स फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट वाले ये सब आइडिया देते हैं, मेरे ख्याल से उनको मेरे माता पिता से सीख लेनी चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता मेरे माता जी के पास मैंने आज तक नहीं देखा कि कोई गहना या ऐसी कोई चीज़ है, क्योंकि पहले उन्होंने कभी खरीदा नहीं, अब उनकी खरीदने की इच्छा नहीं होती। लेकिन उनका सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट हम 3 भाई बहनों की शिक्षा में हुआ, और ये किसी भी इन्वेस्टमेंट बैंकर किसी भी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट वाले इसे सीख ले सकते हैं कि सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट टिप ये उनको उससे मिल सकती है। तो मैं IAS बनूं, मैं IPS बनूं, मैं चपरासी बनूं, फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे जीवन की जो सार्थकता है वो इसी में है कि मैं ऐसे संघर्षशील माता पिता का बेटा हूं, मेरा जीवन उसी दिन सार्थक हो गया था। तो कई बार लोग मुझसे ये पूछते हैं कि भाई कहां से आपके मन में दिमाग में आया सिविल सर्वेंट बनने का, या आपने कैसे सोचा सिविल सर्विसेज में आने के लिए। तो एक तो जैसा मैंने बताया कि UP और बिहार में अधिकतर लोगों को ये एक जरूरी सा है, हर युवा के मन में कभी न कभी ये बात आती है, क्योंकि बचपन से जब आशीर्वाद मिल रहा है कलेक्टर बना तो कहीं ना कहीं वो बात अवचेतन मस्तिष्क में सबकॉन्शियस माइंड में रहती है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मुझे अभी भी याद है मैं कक्षा 8 में पढ़ा करता था, तब मेरे भाई साहब ने एक अटैम्प्ट दिया था सिविल सर्विसेज का, वो तब वेटनरी ऑफिसर हो चुके थे स्टेट गवर्नमेंट में, लेकिन उन्होंने एक अटैम्प्ट दिया और एक ही अटैम्प्ट में उन्होंने इंटरव्यू तक दिया पर फाइनली उनका नहीं हुआ। मुझे अभी भी याद है 27 अप्रैल 2002 का दिन था और मैं ही गया था उनका रिजल्ट चेक करने के लिए इंटरनेट कैफ़े में और उनका सिलेक्शन नहीं हुआ था। उस दिन कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में ये बात उस दिन आई कि हाँ ये इनका जो सपना था कि मुझे पूरा करना है। और देखिए कितना सुंदर कोइंसिडेंस है कि इस बार जो मेरा 70th रैंक वाला रिजल्ट आया है वो भी 27 अप्रैल को ही आया। मतलब एक एस्पिरेशनल फैमिली की एस्पिरेशन को पूरा होने में 2002 से लेकर के 2018 16 साल का समय लग गया। फिर वो बात हुई कि हाँ बनना है, और मेरे भाई साहब हमेशा से मेरे लिए मोटिवेशन थे, एक प्रेरणा स्रोत रहे हमारे लिए, उन्हीं का सपना पूरा करने का लक्ष्य लेके मैं चला। पर धीरे धीरे क्या होता है कि आप मैंने इंटर किया, फिर ग्रेजुएशन करने के लिए BTech करने में चला गया HBTI कानपुर में, फिर कहीं ना कहीं वो कॉलेज में जो लोग किया करते हैं मैं भी वही सब करने लगा, फिर कहीं ना कहीं वो डाइल्यूट हो गया थोड़ा सा, मतलब वो जो ड्रीम था वो थोड़ा डाइल्यूट हो गया। फिर मैंने उसके बाद गेल में नौकरी करनी शुरू की, तो गेल में नौकरी करते हुए उसके बीच मैंने कॉलेज से मेरा मारुति में प्लेसमेंट हुआ था, कुछ दिन वहाँ नौकरी की, फिर इसरो में गया कुछ दिन, इसरो में गया, फिर उसके बाद फाइनली गेल में मैं नौकरी कर रहा था। वहाँ पर मैं गेल में प्रोजेक्ट में था, प्रोजेक्ट एक पाइपलाइन का प्रोजेक्ट था उसको डलवाने का काम मैं कर रहा था,
और रेवेन्यू वगैरह का काम मैं देखता था कि कंपनसेशन वगैरह जो मिल रहा है लोगों को वो कम ना मिले, वो उसमें कोई समस्याएं हैं तो वो सब मैं देखा करता था। वहाँ पे एक घटना बड़ी हुई जिसने मेरे पूरे जीवन का लक्ष्य ही बदल दिया। हुआ ये कि मैं एक आगरा के एक गांव में जन सुनवाई हुआ करती थी, जिसको बोलते थे कि जिनको भी कोई दिक्कत हो कंपनसेशन से लेकर के, वहाँ पे लोग आके मिलते थे, बात करते थे। तो मैं ऐसी एक जन सुनवाई बैठक ले रहा था। जब बैठक ख़त्म हो गई तो उसके बाद एक बूढ़ी सी माता जी थी, उन्होंने कहा चलो बेटा चलो तुमको मैं अपने घर में मट्ठा पिलाती हूँ। मैंने कहा ठीक है भाई, मैं एक क्या कहते हैं उसको पीपल्स मैनेजर था, मैं लोगों से मिलता रहता था, तो मैंने कहा चलिए भाई। वहाँ गए, मट्ठा उट्ठा पीने के बाद उन्होंने मुद्दे की बात बताई। उन्होंने कहा बेटा देखो, मेरी दो बेटियाँ हैं और जिस ज़मीन से होके तुम्हारी पाइपलाइन जा रही है, वो जो पाइपलाइन वाली ज़मीन है उसी ज़मीन को बेच करके मुझे अपने इन दोनों बेटियों की शादी करनी है। अब अगर वो पाइपलाइन उस ज़मीन से चली जाएगी तो कोई उसको खरीदने के लिए तैयार नहीं होगा, बताओ मैं क्या करूँ। मैंने कहा माता जी देखिए, अब आप बताइए मैं क्या मदद कर सकता हूँ आपकी। उन्होंने कहा मुझको थोड़ा ज़्यादा मुआवजा दिलवा दो। मैंने कहा माता जी देखिए, ये एक्ट है, इसके हिसाब से कंपनसेशन आपका, मुआवजा आपका निर्धारित होगा। मेरा काम यह है कि उससे कम मुआवजा आपको ना मिले। तो उसके बाद उन्होंने एक बात बोली जो कहीं ना कहीं बहुत अंदर मेरे अंदर घर कर गई। उन्होंने कहा बेटा अगर तुमसे नहीं हो पा रहा है तो एक बार कलेक्टर साहब से बात करो, वो ज़रूर कुछ ना कुछ करवा देंगे। मतलब पॉलिटिशियंस कुछ भी कहें, अखबारों में कुछ भी निकले, कोई कुछ भी बोले, अभी भी जो आम जनता है उसके मन में ये बात बरकरार है कि हाँ कलेक्टर साहब ज़रूर कुछ ना कुछ करवा देंगे। वो समय था जब मैंने सोचा कि यार मेरा जब यही सपना था और मैं कहाँ भटक गया, और जब एक्चुअली मैं लोगों की मदद करना चाहता हूँ, मुझे अच्छा लगता है ग्रास रूट पे जुड़ के लोगों से मदद करने के लिए, तो मैं क्यों ना वही काम करूँ। देश की सेवा मैं गेल में रह के भी कर रहा था, तब मैं लोगों को सस्ते दरों में ग्रीन एनर्जी अवेलेबल करवा रहा था, वो भी देश की सेवा ही है, लेकिन मुझे अच्छा लगता था कि मैं जमीन स्तर पर जुड़ के लोगों के साथ काम करूँ। तो वो टाइम था जब मैंने वे जो मेरा ड्रीम था आईएएस बनने का, वो गोल में कन्वर्ट हो गया कि हाँ ऐसे ऐसे करके मुझे बनना है आईएएस। तो उसके बाद जब ये गोल बन गया तब फिर तैयारी धीरे धीरे चालू हुई। और लेकिन मैं ये कहूँ कि तैयारी हमेशा से कहीं ना कहीं से चल ही रही थी। जैसे जब मैं छोटा था, मेरे भैया और भाभी, मेरी भाभी ने भी अपने टाइम पे मेंस दिया था, वो लोग डिस्कस किया करते थे कि हाँ क्या कैसे किया जाए, और वो भी हिस्ट्री मेरे भाभी जिन पीएचडी कर रखी है, वो लोग ऐसा डिस्कस किया करते। तो ये दिमाग में ये बातें हमेशा चलती रहती थी, हाँ तैयारी की या ये सारी चीज़ें। और एक तरह से कहें तो हमारा पूरा परिवार ही एक तरह से एक एस्पिरेंट्स का परिवार रहा है। भाभी जो है मेरी डॉक्टर सीमा द्विवेदी, उन्होंने पीएचडी की तैयारी की, फाइनली नहीं हुआ, फिर वो शिक्षिका हो गई। मेरी दीदी जो कि मैं कहूँ कि फ्रेंड फिलोसफर एंड गाइड का उन्होंने काम किया, अर्चना द्विवेदी, जो वो भी हमेशा एक बड़ी बहन से ज़्यादा एक मित्र की तरह उन्होंने मुझको रखा। कभी मुझे कोई समस्या होती मैं उनसे बात करता था। और उसके अलावा मेरे जीजा जी डॉक्टर राहुल मिश्रा, उन्होंने भी अपने टाइम पे मेंस दिए थे, उनके फाइनली उनका भी सिलेक्शन नहीं हो पाया, वो साइंटिस्ट हैं भी। तो पूरा परिवार ही कहीं ना कहीं ऐसा था कि हाँ चले आगे बढ़े, तैयारी करने का हमेशा से मन था। और जब तैयारी करना चालू किया, पढ़ाई वगैरह चालू हो गई, काफ़ी डेडिकेशन के साथ जब चालू हुआ, तो उसमें एक अलग सी दुनिया दिखाते जो थे वो थे मेरे भतीजे और भांजे, जैसे कि दिव्यांश है मेरा भतीजा, भांजे मेरे अनन्या और अनवी। तो वो लोग अभी बचपन से ही कभी कभी ऐसे सवाल पूछ लेते थे कि ये ऐसा क्यों है, एक अलग सा पर्सपेक्टिव एकदम निकाल के लाते थे वो। तो कहीं ना कहीं पूरा परिवार इस तरह से लगा हुआ था कि हाँ तैयारी करनी है, एस्पिरेंट्स हैं हम लोग, और कोई ना कोई जो है जो परिवार के सपने को पूरा करेगा। फिर मैंने गेल में रहते हुए तैयारी चालू की। तो एक सबसे बड़ी जो मैं कहूँ कि मुझसे भूल ये हुई कि मैंने शुरुआती अटैम्प्ट बहुत जल्दी जल्दी दे दिए। मेरा प्रीलिम्स में तो हर बार हो गया, बट शुरुआती दो अटैम्प्ट में मेरा मेंस में नहीं हुआ। किसी में ज़्यादा नंबरों से रुका, दूसरे अटैम्प्ट में दो नंबर से मेरा अटैम्प्ट मेंस में सिलेक्शन रुक गया। फिर उसके बाद मुझे लगा कि हाँ ये कुछ गड़बड़ हो रहा है, थोड़ा सा संभल के थोड़ा ढंग से तैयारी करनी चाहिए। चूँकि तैयारी में नौकरी के साथ ही कर रहा था, इसलिए वो भी एक बात थी कि हाँ किस तरह से टाइम मैनेज करना है दोनों जगह। बीच में प्रीलिम्स और मेंस के बीच कुछ दिन की छुट्टी लेकर के कोशिश करता था कि आ जाऊँ दिल्ली, टेस्ट सीरीज वगैरह कर लूँ या ऑनलाइन टेस्ट सीरीज करूँ। ये सारी चीज़ें करते हुए मैंने कहीं ना कहीं से कर रहा था। फिर तीसरे अटैम्प्ट में 2014 वाला जो अटैम्प्ट था उसमें मुझे असिस्टेंट सिक्योरिटी कमिश्नर मिला, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और बढ़ा कि हाँ थोड़ा सा और एफर्ट करना है, अभी रिजर्व लिस्ट में आए हैं, कुछ अच्छा कर सकते हैं। फिर 15 वाले अटैम्प्ट में मैंने अपनी पूरी स्ट्रैटेजी फिर से रिविजिट की कि हाँ कैसे करना है, क्या करना है, और ऑप्शनल पे और अच्छे से ध्यान दिया। ये सारा कुछ करते हुए 15 वाले में
आईपीएस सर्विस अलॉट हुई। उसके बाद मेरे ज़िंदगी में एक बहुत ही खूबसूरत मोड़ आया, वो था कि मेरी शादी हो गई और मुझे मौका मिला कि मैं वो मिथ भी बस्ट कर सकूं कि हाँ शादी के बाद लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पाता, शादी के बाद लोग तैयारी नहीं कर पाते। मैं काफ़ी लकी था इस मायने में कि मेरी जो बेस्ट फ्रेंड थी प्रज्ञा, उनसे मेरी शादी हुई और वो हमेशा मेरे साथ खड़ी रही मेरी पत्नी कि हाँ जो भी तैयारी करनी, जो भी सुविधाएँ चाहिए, जो भी सपोर्ट सिस्टम चाहिए, शी वॉज द बिगेस्ट सपोर्ट सिस्टम आई हैड एट दैट टाइम। और मेंटल सपोर्ट बहुत ज़्यादा था, उनके साथ डिस्कशंस करते थे हम लोग बहुत सारे नए नए पॉइंट्स, और उनका जो वर्ल्ड व्यू था चीज़ों के बारे में दैट इज़ सो ब्रॉड। शी इज़ डूइंग हर मास्टर्स इन सोशल एंटरप्रेन्योरशिप फ्रॉम टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज एज ऑफ नाउ फ्रॉम मुंबई। तो उनका वर्ल्ड व्यू एकदम अलग सा था, मुझे जो लाइन पे मैं सोच पाता था और वो एकदम डिफरेंट पर्सपेक्टिव पूरे कोई भी इशू को खोल के रख देती थी। तो बड़ा अच्छा समय था तैयारी का, पत्नी के साथ डिस्कशंस का, पति पत्नी ज़्यादा हम लोग बेस्ट फ्रेंड्स थे, और मेंटल सपोर्ट, एजुकेशनल सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट सब कुछ था। और इस वाले मेंस के पहले तो एक्चुअली शी हैज़ स्टडीड फॉर मी। हुआ क्या था कि इस वाले मेंस के पहले मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी, लगभग 10 दिन पहले मैं 10-12 दिन के लिए बेड पे था, मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब हुई थी, मुझे बीपी पीवी है और चक्कर वगैरह आता है उसमें, तो मैं बेड पे था लगभग 12 दिन। और वो बहुत ही क्रूशियल टाइम था कि कैसे किस तरह से किया जाए आखिरी समय में। तो प्रज्ञा पढ़ती थी पूरा जो भी करंट अफेयर्स, ज़्यादा करके करंट अफेयर्स के नोट्स को पढ़ती थी और मुझको पढ़ पढ़ के सुनाती थी कि ये टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। सो ये इस तरह से मैं बता रहा हूँ कि एक पूरा जो इन्वायरमेंट आपका होता है वो आपको सपोर्ट करता है बनने में कि हाँ कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। तो एक आप सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप कॉन्फिडेंट रहिए, आपके आसपास का पूरा सिस्टम आपको सपोर्ट करेगा, आपके आसपास के दोस्त, आपके परिवार वाले सब आपको सपोर्ट करेंगे, ज़रूरत है आपका कॉन्फिडेंस। तो ये तो एक बात हो गई कि हाँ आपका जो पूरा एनवायरनमेंट है वो आपकी मदद करेगा, लेकिन वो आपकी मदद कब करेगा? जब आप खुद अपनी मदद करना चाहेंगे, जब आप खुद कॉन्फिडेंट होंगे। इसलिए मेरे ख्याल से जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है कॉन्फिडेंस। आप अगर कॉन्फिडेंट हैं तो आप ज़रूर ही अच्छा करेंगे। कॉन्फिडेंस आपका अपने ऊपर, कॉन्फिडेंस आप जो मटेरियल पढ़ रहे हैं उसके ऊपर, कॉन्फिडेंस उसके ऊपर अगर आपने कोई कोचिंग क्लास ज्वाइन कर रखी है तो उसके ऊपर, कॉन्फिडेंस आपकी ओवरऑल पूरी स्ट्रैटेजी के ऊपर। ये कॉन्फिडेंस जब होगा तो आप अच्छा कर पाएंगे। और कॉन्फिडेंस क्यों ना हो, देखिए लोग बहुत सारी बातें करते हैं कि हाँ 12 लाख लोग एग्जाम दे रहे हैं, 900 लोग सेलेक्ट हो रहे हैं, फिर वो परसेंटेज निकालेंगे कि 0.00 इतने सारे 02 इतना परसेंट है सिलेक्शन का। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए जो 12 लाख लोग तैयारी कर रहे हैं उसमें से 6 लाख लोग तो पहले ही हट गए, क्योंकि प्री में बैठने वाले ऐसे ही 6-7 लाख लोग होते हैं, तो जिन लोगों ने फॉर्म भरा आधे तो पहले ही हट गए। उन 6-7 लाख लोगों में से भी जो एक्चुअली जो फाइट में हैं वो 30-40 हज़ार होते हैं मैक्सिमम। तो वो 30-40 हज़ार हैं जिनसे एक्चुअली आपकी फ़ाइट है। तो आप कुछ सक्सेस रेट जो निकालते हैं उसको उसके आधार पर निकालिए। और मेरा व्यक्तिगत अगर आप मुझसे पूछें, मेरा तो मानना है कि वो भी कोई सही सक्सेस रेट नहीं होगा। इस एग्जाम में जो सक्सेस का रेट है वो 100% है, 100% योर सक्सेस इज गारंटीड। ये कॉन्फिडेंस रखिए। मैं अभी बताता हूँ कैसे 100% सक्सेस रेट है। तो जो सक्सेस रेट है वो 100% है। मैं आपको समझाता हूँ कैसे सक्सेस रेट 100% है। देखिए जो 30-40 हज़ार लोग हैं जो तैयारी कर रहे हैं उसमें से 3-4-5 हज़ार लोग तो सिविल सर्विसेज में सेलेक्ट हो जाएंगे, यूपीएससी में एक अटेम्प्ट में, दो अटेम्प्ट में, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ऐसा नहीं कि सीटें ऐसी आने वाली 3-4 हज़ार, पर 2-4 अटेम्प्ट में वो लोग सेलेक्ट हो जाएंगे। फिर उसके बाद अधिकतर ये जो स्टेट वाली सिविल सर्विसेज हैं उनका भी सिलेबस लगभग सिमिलर हो चुका है, काफ़ी सारे लोग उसमें सेलेक्ट हो जाएंगे। जो कुछ बचेंगे वो बाकी और जो एग्ज़ाम्स होते हैं, आरबीआई का है और ऐसे बहुत सारे जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें सेलेक्ट हो जाएंगे। और उसके बाद जो कुछ लोग बचेंगे भी वो जो भी करेंगे ज़िंदगी में वो बेहतर करेंगे, क्योंकि जो ओवरऑल जो प्रिपरेशन है सिविल सर्विसेज की, इट मेक्स यू अ बेटर पर्सन, इट ग्रूम्स योर पर्सनैलिटी इन सच अ वे कि आप कुछ भी करेंगे आप अच्छा करेंगे। तो सक्सेस तो गारंटीड है, द ओनली क्वेश्चन विच रिमेन्स इज कि किस फील्ड में। हो सकता है आप तैयारी के बाद जाके अपने घर में खेती करें, या आप अपने फैमिली बिजनेस में भी जाएं, यू विल डू इट डिफरेंटली। आप किसी भी चाय की दुकान पर जाइए, कहीं भी जहाँ 4 लोग बात कर रहे हैं, किसी भी मुद्दे पर डिस्कस कर रहे हो, आजकल लोग बहुत डिस्कस करते हैं बहुत सारे नेशनल इशूज़ पे, तो अगर कोई एक बंदा उसमें ऐसा होगा जो तैयारी किए होगा, आप उसकी बात सुनिए, आपको लगेगा हाँ ये कुछ ठीक बात बोल रहा है, ये बंदा कुछ अलग है। ये जो चीज़ है, जो ये पर्सनालिटी ग्रूमिंग है, इट विल इंश्योर कि आप जो भी करें यू विल डू इट इन अ बेटर वे।
यू विल बी अ बेटर पर्सन, यू विल बी इन्फॉर्म्ड इंडिविजुअल, यू विल बी इन्फॉर्म्ड एन एसेट टू द कंट्री। मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, जैसे मैं जा रहा था पिछले साल मेंस के बाद में गोवा जा रहा था, तो मेरे साथ फ्लाइट में पीछे दो लड़के बैठे थे, देखने में बड़े एकदम अच्छे खासे पैसे वाले लग रहे थे, लग रहा था सर देख के शायद सॉफ्टवेयर वगैरह में काम करते होंगे, विद नो ऑफेंस टू द पीपल वर्किंग इन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री। तो वो कुछ डिस्कस कर रहे थे, वो पढ़े लिखे अंग्रेजी बोलने वाले दो लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि गोवा क्या है, गोवा एक राज्य है कि गोवा एक जिला है। एंड आई एम 100% श्योर कि उनको पता भी नहीं होगा कि यूनियन टेरिटरी जैसे भी कोई चीज़ होती है, नहीं वो भी उनके ऑप्शन में होता। सो ये डिस्कस कर रहे थे और फाइनली एक डेढ़ घंटे की फ्लाइट थी, उसके बाद उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि देखिए बम्बई है, बम्बई जो है जिला है और गोवा उस बम्बई जिले में है, तो कम से कम आप ऐसे तो नहीं होंगे अगर आप तैयारी करेंगे तो। वट एवर यू डू दैट वे द सक्सेस इज 100% गारंटीड। और आपका किसी कोई 30 हज़ार ना 40 हज़ार ना 12 लाख आपका किसी से कॉम्पिटिशन नहीं है, आपका कॉम्पिटिशन सिर्फ आपसे है, ओनली 1% यू हैव टू कम्पीट विद। तो आज आपकी जैसी तैयारी है, अगर कल से बेहतर तैयारी आपकी आज है, अगर आप टेस्ट दे रहे हैं, इस टेस्ट में आपके पिछले टेस्ट से बेहतर नंबर आए हैं, तो आप सही रास्ते पे हैं, उस रास्ते पे चलते रहिए, सफलता तो गारंटीड है। अब दूसरी एक बहुत बड़ी जो समस्या आती है लोगों के सामने, वो लोग कहते हैं कि सर इतनी लंबी तैयारी है, मोटिवेटेड कैसे रहें, हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। भाई हमने भी बड़ी लंबी तैयारी की, तो डीमोटिवेट हो जब आप, या जब आप कभी डिस्ट्रैक्ट हो, उसका एक सिंपल सा फंडा है, आप ये सोचिए कि व्हाई डू यू वांट टू बिकम अ सिविल सर्वेंट। वो आप हो सकता है जब इंटरव्यू की तैयारी करें तो हो सकता है आप कोई दूसरा आंसर इसका अच्छा सा तैयार करें, मुझे इससे कोई एतराज़ नहीं है, आप कोई भी आंसर तैयार करें, लेकिन आपका जो पर्सनल व्हाई है कि क्यों आप बनना चाहते हैं सिविल सर्वेंट, जैसे मैंने अपना बताया कि मेरे भाई साहब का सपना पूरा करना था और वो बूढ़ी माता जी की जो बात, तो आप अपना ऐसे खोजिए कि आप क्यों बनना चाहते हैं। और कभी भी आप डीमोटिवेट होते हैं, कभी भी आप डिस्ट्रैक्ट होते हैं, आप 30 सेकंड आंखें बंद कीजिए और सोचिए कि आप क्यों चले थे इस रास्ते पे, आपका सारा डीमोटिवेशन दूर हो जाएगा, सारा डिस्ट्रैक्शन दूर हो जाएगा। तो सर्च फॉर दिस व्हाई, देखिए तैयारी कैसे करनी है, क्या पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है, ये बहुत आसान है जान लेना, ये बहुत सारे वीडियोज़ पढ़े हैं वो आप देख के जान सकते हैं कि हाउ डू यू हैव टू डू दिस, बट द व्हाई इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देर इज़ अ वेरी ओल्ड सेइंग कि इफ़ द व्हाई इज़ क्लियर द हाउ बिकम्स वेरी इजी। बाकी हाउ की जो बात है, अगर छोटे में एकदम क्रिस्प आपको 2 मिनट में बताना चाहूँ, तो देखिए प्रीलिम्स के लिए 2-3 चीज़ें हैं। द फर्स्ट थिंग इज़ योर सिलेबस शुड बी कम्प्लीटेड फुली 2-3 बार। सेकेंड थिंग इज़ कि आप ढेर सारे टेस्ट पेपर सॉल्व कीजिए, प्रीलिम्स के लिए खूब सारे टेस्ट पेपर सॉल्व कीजिए। और द थर्ड थिंग इज़ इंटेलिजेंट गेसिंग, मतलब ऐसा नहीं कि आप कुछ भी तुक्का मार दे रहे हैं, आप अपनी स्ट्रैटेजी बनाइए, जैसे कि ऑप्शन एलिमिनेशन है, अच्छा 2 ऑप्शन हट गया तो मैं मारूंगा तो सही रहेगा। और ये आप वहाँ जाके सीधे मत करिए, जो आप टेस्ट दे रहे हैं, जो आप टेस्ट पेपर लिख रहे हैं, तो हमेशा बनाइए। जैसे मैं क्या करता था, जो मैंने एलिमिनेट करके मारा है, जो मैंने थोड़ा गेस किया है, उस पर एक सर्कल मार दिया, और पूरा करने के बाद जो नंबर पूरे आए वो तो अलग बात है। मैं हर बार ये कैलकुलेट करता था कि जिनमें मैंने गेस किया उसमें मुझको पॉजिटिव आया नेगेटिव आया, मैंने जब 50% एलिमिनेट किया तब कैसा आया, ये सारा करके मैंने रिफाइन किया कि हाँ अगर मैं 50% पे एलिमिनेट कर लेता हूँ तो मेरा नेट पे पॉजिटिव आ रहा है। अब ये सबका अलग अलग होगा, आप ये अपना खोजिए क्या है आपका। उसके अलावा जो मेंस का है, मेंस के लिए देर आर 2 थिंग्स विच यू शुड डेफिनेटली, उनको गांठ बांध लीजिए, उनको एकदम दिमाग में रख लीजिए, जैसे भी, फर्स्ट इज रिविजन एंड सेकेंड इज आंसर राइटिंग, रिवाइज एंड नंबर ऑफ टाइम्स। उसके लिए मेरा एक 3 रिविजन रूल है कि आपने आज जो पढ़ा उसको आज ही रिवाइज कीजिए, रात को आपको जो लास्ट में सोने के पहले 1-1.5 घंटा जो पढ़ने का है उसको रिवीजन के लिए रखिए, वो रिवाइज जब आप करेंगे, और उसके बाद ये एक रिवीजन हो गया। सेकंड रिवीजन सुबह उठ के कल जो पढ़ा था उसको पहले सबसे पहले रिवाइज कीजिए, अब बहुत ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगेगा, 1-1.5 घंटे जो आपको टाइम लगा है एक बार रिवाइज करने में, सेकेंड रिविजन ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट 30 मिनट। थर्ड रिविजन इज़ योर वीकेंड वाला रिविजन, ये 3 रिविजन हो जाएंगे, बाकी अंत में हम लोग पीटी और मेंस के बीच सिर्फ रिविजन और आंसर राइटिंग ही करेंगे, और आंसर राइटिंग अच्छे से करिए। मैंने देखा है लोग जो तैयारी करने आते हैं अधिकतर पढ़ते खूब है, पढ़ने में कमी नहीं रहती अधिकतर लोगों के, लेकिन लिखते नहीं है, और अंत में आपका जो इवैल्यूएशन होना है वो इसी बेसिस पे होना है कि आपने क्या लिखा, इसलिए वो जरूर कीजिए। बाकी पर्सनैलिटी टेस्ट इज मोर अ टेस्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी, ग्रूम योर पर्सनैलिटी वेल, वो हो जाएगा। मेन चीज ये है कि आप मजबूत रहिए, आप रास्ते पे आगे बढ़ते रहिए। एक सबसे बड़ी चीज़ जो ये है कि
एक इंक्विजिटिव, एक क्यूरियस माइंड रखी। मैंने ये देखा है एक अटेम्प्ट दे के पीटी नहीं हुआ या पीटी हुआ मेंस नहीं हुआ कुछ भी हुआ, लोगों को ये लगने लगता है कि यार मैंने तो अब सब कुछ पढ़ लिया, मैंने ये भी पढ़ लिया, मैंने ये भी पढ़ लिया, मैंने एनसीईआरटी पढ़ ली, मैंने स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ ली, अब मैं क्या करूँ। ये फीलिंग कभी मत आने दीजिए अपने मन में, मैंने इतने बार सेलेक्ट हुआ, इतने सारे अटेम्प्ट दिए, अभी भी अगर मुझको मौका मिले तो अभी मेरे दिमाग में है कि मुझको और कैसे रिफाइन करना है और मैं क्या क्या कर सकता हूँ। तो हमेशा ये खोज के रखिए कि हाँ अभी और क्या कर सकता हूँ, क्या बच रहा है अभी करने के लिए, उस पर फोकस कीजिए रादर देन ये सोचने के कि मैंने इतना कुछ कर लिया। एक चीज़ और खास चीज़ ये है जो लोगों के कॉन्फिडेंस को डावाडोल करती है, वो है कि मेरा मीडियम ऐसा है, मेरा मीडियम वो है। देखिए जो भी आपका मीडियम है अगर आप उसमें अच्छे से अपनी बात रख पा रहे हैं तो वो जरूरी है रादर देन कि आपका मीडियम क्या है। जैसे मैं 12th तक खाटी हिंदी मीडियम में पढ़ा, एकदम कतई हिंदी मीडियम गांव के स्कूल में, फिर जब मैंने ग्रेजुएशन किया तो बीटेक में ऑफकोर्स सब कुछ इंग्लिश मीडियम में था, तो मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि इंग्लिश मीडियम में अच्छे से लिख सकता हूँ, इंग्लिश मीडियम में रखा, पर इंटरव्यू मैंने हिंदी मीडियम में दिया है। कई सारे लोग के कन्फ्यूजन रहता है कि बोलने में थोड़ी दिक्कत है, हिंदी में दें इंग्लिश में दें, आप दे सकते हैं हिंदी मीडियम में इंटरव्यू, और मेंस में भी अगर आप अच्छा लिख पाते हैं हिंदी में तो हिंदी मीडियम में दीजिए, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। जैसा कि मैंने बताया कि आप अपनी तैयारी के प्रति कॉन्फिडेंट रहिए, वो ज़्यादा जरूरी है, रादर देन कि आपने मीडियम का चुना है, आपने क्या लिया है कि हिंदी मीडियम में दे रहे हैं, अंग्रेजी में बोल रहे हैं, ये सब क्या कहें उसको, ये सब पेरिफेरल बातें हैं, तब सतही बातें हैं, असली चीज़ है आपकी तैयारी, आपका कॉन्फिडेंस। तो मीडियम वगैरह, और देखिए मीडियम का फर्क नहीं पड़ता, उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं अपना ही आपको देता हूँ। जब मैंने 3 इंटरव्यू दिए इंग्लिश मीडियम से, 1 इंटरव्यू दिया आखिरी वाला हिंदी मीडियम से, कई लोग मुझे ऐसा बोला करते थे कि अगर आप मेंस लिखेंगे इंग्लिश में, इंटरव्यू देंगे हिंदी में, तो ये आपका कन्फ्यूज स्टेट ऑफ माइंड शो करेगा, आपसे सवाल पूछा जाएगा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। ठीक है भाई, सवाल पूछा जाएगा तो जवाब दे लेंगे, लेकिन हमको ये लगता था कि जैसे अंग्रेजी बोल तो ले रहे हैं लेकिन भावनाएं जो खुल के नहीं आ पाती वो हिंदी में अच्छे से आ पाएंगी, तो मैंने हिंदी मीडियम में दिया, लेकिन नंबर मेरे लगभग वैसे ही रहे, जो एवरेज 2-4-5 नंबर इधर उधर, वो हर मीडियम हर इंटरव्यू मेरे वैसे ही नंबर रहे। मतलब मेरी जो पर्सनालिटी जज की जा रही थी, माय पर्सनालिटी वाज ऑफ दैट लेवल, उस नंबर के लगभग आसपास में थी, वो चाहे मैंने इंग्लिश में बोला चाहे मैंने हिंदी में बोला, मेरी पर्सनालिटी वैसी ही रही, मीडियम का फर्क नहीं पड़ा मेरे ऊपर। तो इसलिए मीडियम को लेके जो तमाम सारी धारणाएं हैं उनसे परेशान मत होइए, उनसे घबराइए मत, तरीका अपना पढ़ाई का अच्छा रखिए, कोई भी मीडियम में देंगे आप अच्छा होगा। और फिर बुरा होने के लिए तो कुछ है ही नहीं, जैसा कि मैंने पहले बताया सक्सेस तो 100% है, कहीं बस ये होना है कि इधर सक्सेस होंगे कि उस फील्ड में सक्सेस होंगे, और आप अच्छे से तैयारी करेंगे सब कुछ अच्छा रहेगा तो निश्चित रूप से आप इसी में सक्सेस होंगे। और एक चीज़ मैं कई बार बोलता हूँ, वो कह के मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ, कि ये जो तैयारी है ना वो एक तपस्या की तरह है, और तपस्या में चाहे वरदान सबको मिले ना मिले पर सिद्धि सबको मिल जाती है, तो उस सिद्धि के लिए पढ़िए, वरदान भी जरूर मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आपके कोई क्वेश्चंस हैं, कोई क्वेरीज हैं, यू कैन पुट इट इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल ट्राई टू रिप्लाई टू दोज कमेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।